टाटानगर और इसके आसपास के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही टाटानगर से 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन होगा। इसकी तैयारी रेलवे ने शुरू कर दी है। यह वंदे भारत एक्सप्रेस टाटानगर से अलग अलग जगहों के लिए चलेगी। हालांकि रेलवे ने इसके लिए कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। जानकारी अनुसार 3 वंदे भारत एक्सप्रेस में एक टाटानगर से पटना, एक टाटा से वाराणसी और एक टाटानगर से भुवनेश्वर तक चलेगी। इसका एक रैक चक्करधरपुर रेल डिवीजन को मिल चुका है, जबकि एक रैक खुर्दा रोड डिवीजन को भी मिला है। इस बात की जानकारी जमशेदपुर के सांसद विद्युत बरन महतो ने दी। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान वे अपने संसदीय क्षेत्र की रेलवे की समस्याओं को लेकर रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से मिले थे। इस दौरान उन्होंने टाटा पटना, टाटा भुवनेश्वर और टाटा नगर वाराणसी के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मांग की थी। इस पर रेल मंत्री ने सकारात्मक जवाब दिया था। जल्द ही टाटा के लोगों को 3 वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलेगी। सांसद विद्युत बरन महतो ने बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस के अलावे एक एक्सप्रेस ट्रेन टाटानगर जयनगर के बीच का भी परिचालन जल्द किया जाएगा। इसकी मंजूरी रेल मंत्रालय से मिल चुकी है। वहीं टाटा जयपुर को लेकर भी एक बार फिर सकारात्मक प्रयास किया जा रहा है। रूट को लेकर बातचीत चल रही है और जल्द ही खड़गपुर या टाटानगर से जयपुर के लिए सीधी ट्रेन सेवा यहां के लोगों को मिल जाएगी। एक बार दो दो वंदे भारत मिला टाटा से और हम लगातार प्रयास करते रहे, मंत्री जी से मिलते रहे और उन्होंने आश्वस्त किया था कि धीरे धीरे हम सब करेंगे, लेकिन वो लोग दो दो वंदे भारत उन्होंने घोषणा की। तीसरा जो है बनारस का हम डिमांड रखे, अभी जो चलती बजट था रेल पर करीब 20-25 मिनट मौका मिला, उसमें बोले, पर्सनल भी मिले, उन्होंने आश्वस्त किया कि सारी चीज़ हो जाने के बाद उस पर गौर करेंगे। जयनगर का इलेक्शन में काफ़ी लोगों ने इसकी चर्चा की थी, ऐसे भी मेरा कॉन्सेप्ट साथ था, उन लोगों का आश्वस्त भी किया कि इलेक्शन के बाद इसको करेगा, तो चिट्ठी भी मेरे पास आ गया उसका, जयनगर वाला वो भी जल्दी शुरू होगा। जयपुर का एक ट्रेन बचा है, उसका भी वो लोग रूट जो है रूट को देख रहे हैं कि किधर से हम लोग इसको चलाएं। एक रूट है जो काफ़ी लंबा रूट है, तो जयपुर जाने वाला लोग थक जाता है, मतलब इसी रूट में ज़्यादा दिक्कत है। हम लोग चाहते हैं कि पुराना रूट से जहाँ पर दीनदयाल नगर होते हुए उसी रूट को पकड़े ताकि लोग जल्दी जयनगर पहुँचे दिल्ली से जयपुर, और उसी के तहत ये लोग देख रहे हैं कि समय सारिणी जो है किस समय देने से ट्रेन को पास किया जा सकता है, तो इसका चर्चा हुआ और वो लोग देख रहे हैं। हमें भी बोले अगर तत्काल कोई दिक्कत है तो जयपुर और जयपुर जो दूसरे ये पर चल रहा आसनसोल होके आद्रा होके उसी को एक दिन इधर से दोनों ट्रेन को एक दिन इधर से घुमा दे, इधर के लोगों का भी डिमांड नहीं होगा, फिर बाद में जो है इसको हम लोग ठीक कर लेंगे। इसके बाद बॉक्सर का भी